लीला ब्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप शांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सहज पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी का चरण में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत गले श्रीमान चैतन्य कैसे में जितने वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सब ही लक्ष्य करता है, इसलिए हरि नाम स्थापन कर रहे थे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को छोड़ करके और कोई किसी बात को बोलता है कहते अधम कहो शास्त्र मर्म नहीं जाने, कहते अधम है शास्त्र का जो तात्पर्य है वो नहीं जानता है। इसलिए वास्तविक रूप में शास्त्र का तात्पर्य यही भगवान की भक्ति है। हमने सारे जो ड्यूटी लेकिन जीवन में भक्ति महाप्रभु कहते बोल आलू जीरो। इसलिए गोस्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, कहते राम नाम की धन की सुना अंक गए कछु हार। सुंदर गोस्वामी जी उदाहरण जैसे हो एक रख करके अगर सिद्धार्थ में छठ दस गुण हो जाता है, दस हो जाता है, और एक जीरो तो पहले था एक, एक जीरो देने पर दस गुण दस हो गया, और एक जीरो तो छठ जो हजार हो जाता है, एक जीरो देने पर दस 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 गुण बढ़ रहे। वो कहते हैं अभी वो एक हटा दो, अभी जीरो दो। कहते भैया जीरो जीरो ही है, लेकिन वैल्यू किसी का? बोले भगवान का। बोले वो भगवान की भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, अगर हम भगवान की भक्ति करते हुए सब कुछ काम करें बस माला ही माल है, फिर दस 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 गुण बढ़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तब तक ये माया माया है जब तक हम भगवान को अपना सेंटर में नहीं बनाते, तब तक ये माया है। लेकिन जब हर चीजों को जब हम भगवत चरण में अर्पण कर दे भगवान के लिए करे, कहते फिर वो माया माया नहीं, कहते फिर वो भगवान की भक्ति और भगवान की वो प्रेम बन जाता है। इसलिए गुरुदेव बड़े सुंदर उदाहरण देते थे, बोले भैया गोपियां तभी तो गृहस्थ थी जो कौन से त्यागी थी। अक्सर करके महाप्रभु का जितना भक्त गृहस्थ थी कितने त्यागी है, कितने त्यागी है। कृष्ण का जितने भक्त सबके सब गृहस्थी है, बहुत कम भक्त त्यागी है, लेकिन वे लोग घर में रहते हुए क्या करते थे भगवान को सेंटर में रख करके सब कुछ काम करते थे। इसलिए गुरु जी कहते थे गोपियां भी घर में झाड़ू लगाती थी, जब घर में झाड़ू लगाती थी भावना किया है बोले ये घर किसका है, इसलिए हम झाड़ू कहाँ लगा रहे हैं भगवान लगा रहे क्यों गंदा हो जाएगा, इसलिए हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं। रसोई बनाते हैं छोंक देते हैं देखना जीरा डालो लंका मिर्च डालो झट काला हो जाता है, बांस को काला देखते ही काले को याद आता है कृष्ण याद आता है, हैं? इसलिए हाथों में सेवा करती थी में क्या करती थी बोले गोविंद दामो माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती गोविंद दामो दर माधवेती
हे सखेती गोविंद दामो सर माधवती। इसलिए जो कुछ करती है कृष्ण के लिए करती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते देखो, अगर हम जो कुछ करते हैं, अगर भगवान अगर उद्देश्य नहीं हो तो सबके सब तुम्हारे जीवन बेकार है, लेकिन अगर भगवान के लिए सब कुछ करो फिर तो सबके सब सार्थकता है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं, जैसे भक्ति का डेफिनेशन करते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा अनावृतम अनुकुलीन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। कहते वो उत्तम भक्ति है, कहते जितने अन्य अभिलाष है कृष्ण सेवा को छोड़ करके, कृष्ण की प्रीति उद्देश्य को छोड़ करके, जितने सारे अभिलाष को परित्याग दे करके जो काम करने से गुरु वैष्णव और कृष्ण प्रसन्न होते हैं वो काम को हमें करनी चाहिए। ज्ञान कर्म मुक्त उतर ढकनी नहीं चाहिए है। इसलिए यहाँ पर कहते भैया ज्ञान बगैर तो कुछ नहीं होता है। जैसे हम अभी कथा सुन रहे हैं, अभी तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान है, लेकिन ये तत्व ज्ञान है, भगवत भक्ति को जो वश करने वाले ज्ञान। लेकिन यहाँ जो ज्ञान को बताए, जो जीव जो ब्रह्म साजू जो प्राप्त करना चाहते हैं भगवान को, निराकार निर्विशेष निर्लिप्त निरंजन बोल करके, और जो ब्रह्म साजू जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उसको द्वारा भक्ति ढकनी नहीं चाहिए। बोले कर्म, कहते कर्म, बोले हम जो मंदिर में कहते भी तो कर्म है, घर में झाड़ू लगाते कर्म है, स्नान करते कर्म है, और उसे ही बनाते ये भी तो कर्म, सबके सब कर्म ही है। कर्म के बगैर तो जीव एक सेकंड ही नहीं रह सकता, श्वास लेना भी तो कर्म है। लेकिन ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये किसके लिए, भगवान की प्रीति की उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। इसलिए कर्म नहीं ये भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। इसलिए यहाँ पर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, अगर लक्ष्य करे तो वास सब कुछ सार्थकता है। इसलिए यहाँ पर बताए कहते शास्त्र परमार्थ ना जाने शास्त्र अध्ययन करे गर्द वर पाए जन शास्त्र वो ही मरे। कहते एक दो तरह का व्यक्ति है, एक भार भाई है, कहते एक व्यक्ति भार भाई और एक सार भाई भाई है। इसलिए भार भाई कौन है, कहते भार भाई हुए हैं जो शास्त्र पढ़ते तो है लेकिन जो शास्त्र का तात्पर्य भगवान की भक्ति जो नहीं करते वही भार भाई। कहते सार भाई कौन है, सार भाई हुए हैं जो भगवान के भजन के लिए सब कुछ भगवान की प्रीति की उद्देश्य में करते हैं। इसलिए कहते एक संप्रदाय गो गर्दभ न्याय भारवाही, जैसे गधा पीठ के ऊपर में सब कुछ तो ढोता है, दाल चावल चीनी, लेकिन कुछ कुछ मिलता ही नहीं। इसलिए दूसरा है सार ग्राही, उदाहरण देते हैं जैसे एक मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करता है हर फूल के ऊपर बैठता है, फूल के ऊपर बैठ कर ग्रहण क्या करता है शहद, शहद। इसलिए एक मक्खी और एक मधुमक्खी, मक्खी कहाँ बैठता है गंदी चीज, मधुमक्खी कहाँ बैठता है फूलों में, मधुमक्खी फूलों के ऊपर बैठ करके सुंदर सुंदर शहद को मधुमक्खी छत्ता बनाती है, और वो छता क्या करता है पुजारी जी ठाकुर जी की स्नान में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगती है। इसलिए दो तरह के व्यक्ति है, कहते एक विद्या और एक है अविद्या है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं भैया असली पंडित कौन है, बोले बद्ध बक्स बीत जा साहेब पंडित, पंडित हुए हैं जो क्या काम करने से जीव बद्ध दशा को प्राप्त करते हैं, क्या करने पर जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, जो भगवान की मुक्ति भक्ति मार्ग के रूप में वही पंडित व्यक्ति कृष्ण महामहो सवे वंचलता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बढ़िया सुनिया लोग गलत छार खाए हैं, इसलिए विद्या अभिलाष से काटा इनु काल परम साहस से आमी। यहाँ पर कहते हैं है? इसलिए कहते जो विद्या है जत तन विद्या जत तत मतिर जया, कहते विद्या उसे कहते हैं जिसको द्वारा ये मति भगवान के चरण में लगे, लेकिन
जैसे हमें एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर हैं, बड़े बड़े, हम बड़े बड़े तो डिग्री को प्राप्त करते हैं, बड़े बड़े डिग्री को प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर वो विद्या भगवत सेवा में अगर वो विद्या नहीं लगता है, बस क्या है, वो विद्या से अविद्या भेला, विद्या से वो अविद्या भेला, वो विद्या नहीं वो अविद्या बन जाता है। वो क्या करता है, संसार का चक्कर में हमें डाल करके केवल वृथा अभिमान को दे करके करता है क्या, बाहर संसार का अभिमान में दिन भर पैसा कमाओ संसार पालो, उसी में ही अपना जीवन को बिता देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर मैया कुंती कहती हैं, तद प्रभु जन्म ऐश्वर्य जसरूत श्री भी रेदमान मदपुमान, कहते ठाकुर जी नमो अकिंचन बिताए, तुम तो अकिंचन का भीतर हो। अकिंचन मतलब कृष्ण भक्ति को छोड़ करके और जीवन में जिसने जीवन में कुछ भी नहीं बनाया, बोले तो तुम तो उनका ही तुम संपत्ति हो। बोले प्रभु है मेरी झोली में विपत्ति डाल दो। बोले विपत्ति क्यों डालती हो, बोले प्रभु ये जगत का चार चीज व्यक्ति जिसको पास में हो ना, चार चीज क्या, जिसको पास एक भी चीज आ जाए उच्च कुल में अगर जन्म ले लिया, ज्यादा पैसा हो गया है, थोड़ा चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए है, इसलिए जन्म ऐश्वर्य श्रुत मतलब थोड़ी सी ज्यादा विद्वान हो जाए, फिर तो देखो चार हो जाए तो भक्ति करेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर एक भी आ जाए वो भी तुम्हारी भक्ति करना बड़ा कठिन। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, पढ़िया सुनिया लोगों के लोग छारे ठारे कृष्ण महामहोत्सव मंचल थारे है। एक समय कोई एक बच्चा जैसे मंदिर में आए आकर के ना, तो उनको गुरु जी को बोले, बोले गुरु जी हम थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा संस्कृत अवधा पढ़ना चाहते हैं। गुरु जी ने बोले देखो बढ़िया सुनिया लोगों के लोग छारे खारे कृष्ण महामहोत्सव मंचल थारे। गुरु जी बोले देखो है अगर ज्यादा पढ़ाई लिखाई करोगे ना क्या होगा, फिर तो बोले इतना पढ़ाई लिखाई कर दिया कि लोग भगवान के हरि नाम के केवल हरि हरे कृष्ण नाम करेंगे, नहीं भैया थोड़ा नौकरी भोकरी कर ले है, नौकरी करके तो आप पैसा कमा ले, पैसा थोड़ा इकट्ठा कर दे, पैसा कमाएगा तो। बोले भैया इतना पैसा क्यों, मंदिर में कोई एक ब्रह्मचारी था उसने क्या करता था, जो भिक्षा में जो पैसा आता था ना गुरु जी को नहीं देता था, वो पैसा को धीरे धीरे उसने इकट्ठा करने लग गया। जब इकट्ठा करने लग गया, नियम होता है जो पैसा हमें मिलता है ना और पैसा क्या करनी चाहिए, गुरु गुरु के पास पैसा को गुरु जी के चरण में देनी चाहिए, गुरु जी को दे देनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो धीरे 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 ना फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब ज्यादा हो जाएगा फिर मन के अंदर में विषय वासना जगेगा है, विषय वासना जगेगा। अभी वो ब्रह्मचारी ने देखा भैया पैसा धीरे धीरे, और एक संचय करते करते ना वो अभ्यास करके खराब हो जाता है, पर संचय करना शुरू कर देते हैं, करते 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 अभी तो ठाकुर की सेवा के लिए नहीं कर रहे, वो तो अपना भोग के लिए कर रहे हैं, करते 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 ज्यादा हो गया उसके हृदय में संसार की वासना जगह। बोले पैसा को अभी क्या करेंगे, पैसा को अभी कहाँ लगाएंगे, बोले शादी कर लो, पैसा क्या करो लगाना कि चाहिए ना एक पैसा हो। इसलिए गुरु जी कहते देखो ये जो ये ना एक फोड़ा जैसे छोटा फोड़ा है, अगर पहले से सही नहीं करो तो ना पूरा शरीर में फिर फोड़ा फैल जाता है, फिर फोड़ा धीरे 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 फैल जाती पूरा शरीर में। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण महामहोत्सव बचिल तहारे, कहते एक दिन क्या होता है कृष्ण का जो महामहोत्सव से इसलिए कोई एक भक्त था भिक्षा करके 25 रुपया लाया, 25 रुपया लाए स्वामी महाराज उन्हें 20 रुपया दिया, उन्होंने पूछा आज तुमने कितना भिक्षा की, बोले 25, बोला 5 रुपया कहाँ है, बोले मेरे खर्चा नहीं चाहिए, मैं वहां जाता हूँ वहां जाता हूँ, कभी ट्रेन गाड़ी और ट्राम फ्राम में जाना पड़ता है, खर्चा नहीं लगेगा। तब उन्होंने बताया बेटा ये जो 5 रुपया नहीं ये जहर है, ये क्या है वो जहर है, जो व्यक्ति 1 रुपया दिया है ना ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके दिया। बोले क्यों, बोले मेरे जितने दुख कष्ट है ठाकुर जी, मेरे बेटा का नौकरी नहीं ले रहा है, बेटी की तबीयत खराब है, घर में ये अशांति है, घर का अमंगल है, वो 1 रुपया नहीं वो घर का जितने दुख है तुमको दिया, ज्यादा पाप दिया है तुमको, वो सारे तुम
दिया है बेटा, इसको हजम नहीं कर सकते हो तुम, इसलिए लाओ। 5 रुपया दिए, फिर 5 रुपया निकाल करके दिए, फिर भक्ति प्रज्ञान के सब को समझ को लेकर के 5 रुपया दसा, फिर उनको उल्टा 10 रुपया दिए। बोले ले 10 रुपया ले, लेकिन जो कुछ खर्चा करना बोलना मेरे को, है गुरु जी हमने ये पैसा से हमने ये हमने खर्चा किया, इसलिए हमारे जो मंदिर का जो इंचार्ज आचार्य है, जब मैं नया नया मंदिर में आया था तो उन्होंने रोज रोज जो भिक्षा में लाते थे वो लिखते थे, हिसाब करते थे कॉपी में, आज कितना पैसा लाए, कितना खर्चा हुआ। तब तो मैंने देखा 5 रुपया, उसी समय उन्होंने एक मिश्री खाए थे, 5 रुपया नहीं 5 पैसा दे करके, 5 पैसा उस समय है, लेकिन मिश्री का थोड़ा टुकड़ा खाए थे क्योंकि धूप में घूमते थे भिक्षा में। मैंने कहा महाराज ये क्या लगे, 5 पैसा मिश्री खाया, ये 5 पैसा क्यों, 5 पैसा लिखने का कोई जरूरत था? तो उन्होंने कहा गुरुजी ने आदेश दिया है, वो भिक्षा में जो उपलब्ध वस्तु के गुरु वैष्णव सेवा के लिए, ये पैसा वो कभी भी अपना भोग में नहीं लगा, पर मैं यहाँ लिखता हूँ 5 पैसा से मैंने ये मिश्री खाया है, मिश्री खाया है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कृष्ण महामहोत्सव बंचिला तहारे, जो जड़ विद्या कभी कभी क्या करता है, ये भगवान की भक्ति में हमें नहीं लगा करके विद्या से अविद्या भेला, वो विद्या अविद्या बन जाती है। इसलिए कहते पुत नारे जे प्रभु कैल मुक्ति दान, है कहते कहते पुत नारे जे प्रभु कैल मुक्ति दान से प्रभु भजो करिया मन। कहते प्रभु कैसे हैं, बोले पुतना को भी जिस प्रभु ने कृपा करके मुक्ति प्रदान की है, पुतना क्यों, ये पुतना का अंदर में सारे दुर्गुण ही दुर्गुण है। महाप्रभु कह रहे हैं हमें कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए, कारण क्या है, कारण क्या, ये कारणों का महाप्रभु कह रहे हैं। कहते पुतना जैसे पापिनी, जिस पहला नंबर पुतना, पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं जो अपवित्र है, दूसरा नंबर राक्षसी, तीसरा नंबर कृष्ण के लिए क्या लेकर के आई थी, विष जहर, चौथा नंबर में बच्चों को खून पीने वाली थी, ऐसे दुष्टा थी पुतना। लेकिन ऐसे पुतना को भी जो प्रभु ने क्या किया, जिसको प्रभु ने मुक्ति दान किया, मतलब इतने कृष्ण दयालु, इतने कृष्ण दयालु, इसलिए गुण अवगुण प्रभु देखो ना काऊ, कृष्ण इतने दयालु किसकी अवगुण का प्रति ठाकुर नजर नहीं देते हैं। लेकिन ये पुतना ने क्या, उन्होंने पुण्य की थी, इतना की थी जब उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाए, बोले मैया जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झुलानी चाहिए, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। केवल 1 सेकंड के लिए कृष्ण को उन्होंने मातृभाव से देख लिया, कृष्ण इतने से ही रीझ गए, रीझ करके कहाँ स्थान दे दिया, गोलोक वृंदावन में धाई चित उन्होंने स्थान दे दिया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णा है परमात्मनि, ऐसे प्रभु को अगर थोड़ी सी कोई श्रद्धा पूर्वक भक्ति करेगा तो फिर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे, ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे, ठाकुर जी इतने दयालु कृष्ण हैं। तब यहाँ पर उदाहरण देते हैं, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाध्य है, इसलिए कह रहे ठाकुर जी कितने दयालु। इसी श्लोक को सुन करके हैं सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, पहले वो ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्होंने कहा इसी श्लोक को सुन लिया ना, कृष्ण कितने दयालु है, कृष्ण कितने दयालु, ऐसे पुतना को भी जिस प्रभु ने गोलोक वृंदावन में स्थान दिया, इतना जो बोल दिया ना, बोले कम्बा दयालु शरणम ब्रजे म, सुखदेव गोस्वामी हाथ उठा लिए, कहते भैया ऐसे कृष्ण को छोड़ करके अरे और किसको भजन करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए तो केवल कृष्ण भजन करो। बोले श्री कृष्ण के नहीं आ लाल की, अरे जोर से बोलो, कोई जय और के हे बोल रहे, बोले श्री कृष्ण के नहीं आ लाल की, इसलिए भजन केवल कृष्ण को ही करनी चाहिए। बोले अघा सुर के जय प्रभु मोचन करिला, कहते कृष्ण ने क्या किया, अघा सुर को भी कृष्ण ने क्या किया, उनको भी उद्धार कर दिया। अघा सुर ने क्या किया, जो मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था
मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था जब कृष्ण के सखा लोग सामने सामने जा रहे थे। इतने में देख करके जो छोटे छोटे सखा लोग थे ना, बोले भैया कोई सांप तो मुंह फाड़ करके बैठा हुआ, भागो भागो यहाँ से। लेकिन जो थोड़ी थोड़ी बड़े बड़े सखा थे बोले पागल, कभी इतना बड़ा सांप हो सकता है? बोले अगर सांप हो तो फिर क्या होगा? बोले चिंता क्यों करते हो, कुछ दिन पहले कृष्ण ने बकासुर को मार नहीं मारा, अघासुर को भी मार डालेंगे। बोले अगर सांप हो, बोले चिंता, चलो अंदर में चलते हैं। सबके सब सखा अंदर चले गए। तो चले गए, कृष्ण जब दूर से देखा बोले हे भगवान, ये तो अघासुर बैठा हुआ। अब वो देख रहा था कृष्ण मुंह में आ गए, बंद कर दो बस खत्म। इतने में देवता लोग भी आकाश मार्ग से देख रहे थे। इतने में जब कृष्ण ने सोचा मेरे को दो काम करना पड़ेगा, पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसको मार को बचाना, मेरे को एक साथ में दो काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जब उनको शुरू कर दिया, बोले ये भगवान अंदर में चले गए। तो विश्वनाथ कह रहे हैं देखो, कहते बायो रथा गवाना, इसी लोग भी को बंद करके चाहते हैं वो कृष्ण के चरणों का स्मरण करे। यद्यपि समाधि सुविधिर अभी पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। ब्रह्मा भी तपस्या करके, दर्शन की बात छोड़ दो, जिनकी चरण की नख की छटा तक को भी जो दर्शन ऐसे, लेकिन ऐसे जो कृष्ण है, लेकिन अभी कहां पर है? अघासुर का मुंह में। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं भैया ये अघासुर, उन्होंने ऐसे कौन सा पुण्य किया जो साक्षात ठाकुर जी जिसको अंदर में चले गए, हैं गले को अंदर में चले गए, मुंह को अंदर में चले गए। कहती ये कोई साधारण बात है, भगवान किसकी मुंह को अंदर में चली जाए, हैं ये कोई साधारण बात नहीं। फिर क्या हुआ, जब भगवान विश्व रूप धारण किया, विराट रूप, जब उसकी गला घोट गई तो ब्रह्मतल फट गया, फट करके ज्योति निकला। ज्योति निकला जब कृष्ण फिर बाहर आए, ब्रह्मा जी ने क्या देखा, फिर वो ज्योति कृष्ण के शरीर में समा गए, ज्योति कृष्ण चरण में समा गए, जिसको देख करके ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी जिसे मोहित हो गए। बोले वाह ये कृष्ण की बालक है। और थोड़ी सी और आगे लीला देखी, इतना नहीं, विश्वनाथ चक्रधर कहते हैं जब अघासुर ने प्राण छोड़ दिया, अघासुर ने जब प्राण छोड़ दिया क्या हुआ, अभी बहुत बड़ा रूप धारण किया हुआ था, उसके बाद में उसका शरीर सड़ गल कर खत्म हो गया। जब सड़ गल कर खत्म हो गया, अभी उसका केवल हड्डी का ढांचा रह गया, हड्डी की ढांचा रह गया, तो हड्डी की झांटा रह गया। फिर क्या करते थे, कृष्ण सखाओं को साथ में उसका अंदर में लुकोचुरी खेलते थे। इतना बड़ा उसका शरीर था, कृष्ण लुकोचुरी उसका अंदर में खेलते थे सखाओं के साथ में। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते समझो ये अघासुर कितने पुण्यात्मा, कितने पुण्यात्मा। कल हम सुन रहे थे ना, सगर महाराज का जो बच्चे थे 4 साल पहले जल करके राख बन गए थे, वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान की केवल चरणामृत, ठाकुर की केवल चरणामृत गंगा अगर उसको ऊपर में चले जाने पर अगर उनको मुक्ति हो सकती है, कृष्ण और सखा, सखा लोग साधारण है ही नहीं, ये कृष्ण के गायब भी हो है, ये सखा साधारण नहीं, ये कृष्ण का परम भक्त है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसकी हड्डी को अंदर में लुकोचुरी कर रहे हैं, इनके चरण के स्पर्श, कृष्ण का चरण स्पर्श, सखाओं का चरण स्पर्श मिल रहा है। इसलिए समझो ये अघासुर ने कितने बड़ा पुण्यात्मा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं भैया अघासुर व्यक्ति ऐसे जो पापी जो कृष्ण कृष्ण सखा को मारने चाहते थे, कृष्ण ने क्या किया, उनको भी अपना चरण में उन्होंने गति प्रदान की, उस भगवान के शरीर में उन्होंने मिल गया, इनको जो मिलाया। उसके बाद में बोले जार नाम है जगत और पवित्र है, बोले जिनका नाम लेने से ये जगत और पवित्र होता है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाई, सर्व पाप है सब उपद्रव नाशनम, सर्व पाप विनाशनम है। इसलिए जिनका नाम से सारे उपद्रव सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बोले गोकोटी कर्ण दाने है, कहते हैं
करुण दान पुण्य करने पर भी, कहते सुमेरु जैसे सुवर्ण दान करने पर भी एक कृष्ण नाम के बराबर उसका महिमा है, हम उसका महिमा को हम बराबर नहीं कर सकते। कृष्ण नाम में इतने महिमा महाप्रभु कह रहे हैं, और जिसका नाम लेकर के ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जब चतुर्मुख राम नाम है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और शंकर भी है पंचमुखे सी बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पंचमुखे राम नाम दान त्रिपुरारी तथा अजामिल, अजामिल जैसे व्यक्ति है इतना बड़ा पापी, इसलिए कहते हैं अजामिल भगवत नाम की महिमा में कह रहे हैं अजामिल, उसका नाम अजामिल, अजामिल मतलब अजामिल अपी, अजामिल अपी मतलब वो इतना बड़ा पापी था अजामिल जो अपना पत्नी को त्याग दी, एक वेश्या को साथ में रहा, फिर उसका हाथ में अमेध्य कुमेध को खाया, 10-10 बच्चे हुए, अभी बच्चों को लालन पालन करने के लिए उसने क्या किया, डाकू गुंडागिरी चोरी बदमाशी, ऐसे कोई पाप नहीं जिसने ये काम नहीं किया, सारे पाप किया, इसलिए कहते तो अजामिल अपी, अजामिल जैसे पापी होने पर फिर भगवान का नाम को कैसे लिया, कहते तो मति स्थिर नहीं था उस समय, तीन जमदूत गला में काल फांस को लगा कर खेच करके ले जा रहे थे, बुद्धि उस समय देख कर डरा हुआ था, चित्कार करते हुए नारायण, बुद्धि विकृत था, स्थिर बुद्धि से नहीं लिया, फिर उन्होंने भगवान को नहीं बुलाया, किसको बुलाया था, अपना बेटे को बुलाया था, अपना बेटे को, फिर उसी समय में टाटी पेशाब कर रहा था, टाटी पेशाब कर रहा था, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं अजामिल जैसे व्यक्ति इतने बड़े पापी हैं, केवल उन्होंने भगवान की, केवल अपना भगवान को नहीं अपना बेटा का नाम लेने पर भी ठाकुर जी उनको क्या दिया, उनको जम फांस से, उनको काल फांस से बचाया, उनको काल फांस से बचाया, बोले जार नामे ब्रह्मा, कद धन कुल विद्या मध्य ताके भजन करे ना, लोग क्या करते हैं धन कुल विद्या की अहंकार में आकर के ऐसे जो कृष्ण इतने जो दयालु इतने जो मंगलमय हैं ऐसे भगवान को भजन नहीं करते हैं, फिर इनका कल्याण कैसे होगा, महाप्रभु कह रहे हैं इसलिए अमर कथा सुनो, इसलिए कहते अमूल्य कृष्ण पाद पद्म भजन करो, महाप्रभु कह रहे भैया कृष्ण का जो अमूल्य चरण कमल को तुम लोग भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, जिनकी की चरण कैसे हैं, लक्ष्मी भी जिसकी चरण को हर समय गोद में लेकर बैठी हुई छोड़ नहीं रही कभी है, चरण को कभी छोड़ती नहीं, बोले जिनकी चरण को शंकर जी, जिनकी चरण की गंगा की हाँ चरण की चरणामृत को धारण करके शंकर जी की इतना महिमा क्यों, इसलिए वहां पर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कहते शंकर जी क्या करते हैं अपने आप को छुपाना चाहते हैं, शंकर जी है अपने आप को छुपाना चाहते हैं, क्यों जानते हैं भैया शंकर जी, अब देखा ना कहीं भी मंदिर हो ना शंकर जी की देवी सब लोग पहुंच जाते हैं, कांवरिया भी पता नहीं कहाँ कहाँ कितना दूर से लेकर शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं, और शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम जोगी जोगी महाजोगी, अब देखना शंकर जी हर समय ध्यान में बैठ रहते और भगवान के नाम कीर्तन में शंकर जी हर मस्त रहते हैं, इसलिए शंकर जी नहीं चाहते भैया आजकल मेरे को डिस्टर्ब करे है, सब आकर डिस्टर्ब मेरे को करे हाँ, इसलिए शंकर जी क्या करते भैया स्त्री पुत्र परिवार ले भैया तू तू ले ले, इसलिए शंकर जी को तो भोले बाबा हाँ भोले बाबा शंकर जी भोले बाबा, और अघोर दान अघोरी दान बांस शंकर जी आशुतोष, अगर कोई खुश होता ना सिर्फ भोले बाबा है, इनकी जैसे कोई जगत में इतने जल्दी कोई संतुष्ट नहीं होते, भैया लेना लो तू, लेकिन हमें भजन में डिस्टर्ब मत करो, भजन में डिस्टर्ब मेरे को मत करो है? मतलब ऐसे दान देते हैं जो दान से भी ज्यादा करके देते हैं है? इसलिए जान से भी ज्यादा देते हैं शंकर जी है? इसलिए शंकर जी थोड़ी सी एक समय कोई एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण चोरी करने के लिए गया, चोरी करने के लिए तो गया, आज कोई हाथ में आया ही नहीं, बोले भैया कम से कम खर्चा पानी तो चल जाए, आज का खर्चा पानी तो चल जाए कम से कम, इसलिए आज तो कुछ मिला ही नहीं, एक जंगल में गया, हो गया था रात, था कार्तिक महीना,
रात हो गया तो देखा एक मंदिर है, मंदिर को अंदर में घुसा, अंधकार हो गया था। इतने उसने किया कि अपना कपड़े में उसने आग लगाया, माचिस लगाया, देखते मंदिर में अगर कुछ मिल जाए तो खर्चा पानी चल जाए। लगाया तो देखा शंकर जी का शिवलिंग है और उसको ऊपर में छिके के ऊपर में एक पीतल का कलसी लटक रहा है, उसमें एक छेद और एक बूंद शंकर के ऊपर में पानी टपक रहा है। बोले भैया किसी तरह से अगर खर्चा पानी तो चल जाएगा। उसने हाथ बढ़ाया, हाथ पहुंचा नहीं, शंकर जी ने पूरा शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए, हैं शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए। जब चढ़कर उतार रहे थे ना शंकर जी, बस भोले बाबा प्रकट हो गए, हैं बोले तृप्तम अस्मि परम ब्रूहि, मैं खुश हूँ, क्या चाहते हो मांगो, क्या चाहते हो मांगो। बोले भैया मेरे को तो कोई बेल पता देकर ठुकरा देता है, कोई धदुर के फूल नहीं तो आकंद का फूल देकर मेरे को ठोकर देते हैं, लेकिन तू तो पूरा के पूरा तो मेरे को दे दिया, पूरा के पूरा तूने मेरे को आज दे दिया। सर्वधर्मान भरिते जो माम एकम शरणम व्रज, पूरा के पूरा। शंकर जी खुश होकर बोले भर मांगो, लेकिन इतने में वो ब्राह्मण ना समझ गया मैंने गलती की। शंकर तो भोले बाबा कृपाल दयालु है, हाँ वो तो अपराध लिए ही नहीं, लेकिन मैंने अपराध किया है। सीधा शंकर जी के चरण में, प्रभु ये जो गरीब है ना, ये गरीब मेरे को इतने बुरा काम करा दिया, आपके सर के ऊपर मैंने चढ़ गया, लेकिन आप तो पिता है ना, जगत पिता है आप, इसलिए आप हमारी अपराध के लिए नहीं, मेरी अपराध हो गया माफ कर दो। शंकर जी के चरणों को पकड़ लिया। शंकर जी ने देखा ब्राह्मण आदमी है, माफी मांगे। इसलिए शंकर जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले जा आज से तुम स्वर्ग का कुबेर बना देता, स्वर्ग का कुबेर, वहां के पैसा की खजानची, जिसको हाथ में सारे पैसा है, जिसको हाथ में है सारे पैसा उसकी हाथ में कुबेर कोई इतने। इसलिए अघोर दानी कहती है, ऐसे जो जितना चाहते उससे भी ज्यादा देने वाले श्री भोले बाबा है। इसलिए 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 उनका जो कुबेर है ना, इसलिए जो नल कुबेर जो मुनिग्रीव किसका बच्चे थे, कुबेर का दो बेटे थे, वो क्या कर रहे थे, शंकर जी का बगीचा में ही पहरादारी कर रहे थे। वो शंकर जी के बगीचा में क्यों, उसने शंकर ने ही उनको कुबेर बनाया, इसलिए उन्होंने कुबेर बनाया, इसलिए उन्हें शंकर जी बगीचा में जाओ, उस बगीचा में तुम लोग जाकर देखभाल करो, शंकर जी के बगीचा है जो नारद जी आ रहे थे। इसलिए बोले से भोले बाबा की, लेकिन यहाँ पर कह रहे चैतन्य महाप्रभु, हाँ इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए चाहते हैं, इसलिए शरीर में सांप लटक रहा है, शरीर में सांप लटक रहा है, बहुत ही शरीर में लगा करके रखे, जो फूल को कोई व्यवहार नहीं करते, जंगल में होता है शंकर जी के ऊपर वही चढ़ता है, जटा जूट पिछू सांप लटक रहा है, क्यों बर्फ के ऊपर रहते, कारण क्या, भैया मेरे को भजन में कोई डिस्टर्ब मत करे। लेकिन इसे विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं तब भी शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं पाए। बोले क्यों नहीं पाए, कारण है उनको पास में सबसे पवित्र वस्तु है, क्या है, जटा में श्री पतित पावन श्री गंगा। या चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बोले शंकर जी से क्या कर रहे हैं, बोले जो भगवान की चरण जो चरणा दुख श्री गंगा जी को क्या कर रहे हैं, अपना सर पर धारण करके रखे, मतलब भगवान की चरण की पानी में इतना शक्ति है, प्रभु का चरण क्या नहीं होगा, ऐसे भगवान की चरण है, ऐसे ऐसे चरण है, ऐसे चरणों को भैया जो भगवान की, ऐसे चरणों को जो ब्रह्मा शंकर सारा दुनिया जिनके चरण की पूजा करते हैं, ब्रह्मा शंभु रमा अमरपति गणेशार चितव, ऐसे चरणों को और छोड़कर किसका भजन करो, भजन करना तो महाप्रभु कृष्ण चरणों भी भजन करो, क्योंकि चरण कमल अमिया उछल ताते नूपुर धाम, जिस चरण में अमृत छलकती है, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दोए, भगवान की चरण में अशोक अभय और अमृत। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं भैया अमूल्य कृष्ण पाद पद्म भजन छोड़ करके और कुछ हमें नहीं करनी चाहिए। महाप्रभु इतने भाव में आविष्ट होकर के कृष्ण चरण की इतने महिमा कृष्ण भजन की बताए, भाव में आविष्ट होकर के जब ऐसे करते 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 इतने में कुछ थोड़ी देरी बाद में महाप्रभु जो व्याख्या बंद कर दिया ना, फिर महाप्रभु कह रहे भैया आज मैंने क्या बोला
महाप्रभु इतना कुछ बोल करके, महाप्रभु आज मैंने क्या क्या बोल दिया है मेरे को पता ही नहीं चला आज, क्योंकि महाप्रभु अभिष्ट होकर के है, अभिष्ट होकर के महाप्रभु व्याख्या कर रहे थे अभिष्ट होकर के। इसलिए कुछ लोग जा करके कहते श्री, उनका जो गुरु जी थे गंगादास पंडित, उनको पास में कुछ लोगों ने जाकर शिकायत कर दिया, बोले महाप्रभु तो हमको संस्कृत तो पढ़ा ही नहीं रहे। आज उन्होंने पोथी को खोला और पोथी खोल करके उन्होंने आज बताने कृष्ण 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 भक्ति को इतने व्याख्या किया, इतने व्याख्या उन्होंने किया, आज तो संस्कृत पढ़ाए नहीं यही व्याख्या किया, इसलिए आज कोई संस्कृत नहीं पढ़ाया। बच्चों ने जाकर शिकायत कर दिया गुरु जी के पास में, जो गुरु जी के पास में शिकायत कर दिया। इतने में महाप्रभु को जो पता चला, जब महाप्रभु गुरु जी के पास में गए, गुरु जी ने कहा देख बेटा बड़े भाग्य से कहीं ब्राह्मण कुल में कोई जन्म लेते, तो ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के बच्चों को संस्कृत दान देना पढ़ाना इसको बहुत बड़ा दान मानी गई, जो बच्चों को जो संस्कृत ज्ञान प्रदान करते हैं बहुत बड़ी दान है बेटा, बड़े भाग्य से कई टीचर बनता है बच्चों को ज्ञान देते हैं है? लेकिन जो साधारण ज्ञान कितने महिमा, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति का ज्ञान देते हैं, जो व्यक्ति हमें कृष्ण भक्ति की ज्ञान देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, वो समझो वो कितना बड़ा दानी है। इसलिए गोपियां क्या कहती है, तब कथा अमृतम तप्त जी बना श्रावण मंगल श्री मदा तथा तीते राधारानी कहती है जगत में सबसे बड़ा दानी हुए जो जगत को कृष्ण भक्ति की दान देते हैं, जगत में कृष्ण कथाओं को दान देते हैं। और गोपियां राधारानी कहती हैं कृष्ण कथा को जो दान देते हैं, लेकिन इसी समय में ये गोपियां किस समय ये गीत गा रहे हैं, जब कृष्ण रास से जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, रास जब अंतर ध्यान हो गए है, और जिस समय यहाँ पर श्री जब श्री महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है रथ यात्रा को सामने नृत्य करते करते, जब श्री जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में हैं राधा जी की भाव से पड़े हुए, राधा जी की भाव से बेहोश होकर पड़े हुए, कैसे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए श्याम सुंदर। इतने में भक्त लोगों ने श्री प्रताप रुद्र को जल्दी बुलाया, बोले चल जल्दी आओ, जल्दी से आकर के राज भेष को परित्याग करो, साधारण एक धोती पहनो, धोती पहन कर क्या करो, श्रीमन महाप्रभु का चरण को सेवन कर, चरण की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। इसलिए महाप्रभु के चरण की सेवा करो। जब राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु चरण की सेवा कर रहे थे और उन्होंने गोपी गीत को बोले गोपी गीत सुनाओ, पास गोपी गीत सुनते सुनते जिस समय ये श्लोक आ गया ना, तब कथा मृतम तप्त जीवनम, महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश होकर उन्होंने क्या किया है, बोले भुरीदा जना जगत में सबसे बड़े दानी जो कथा को दान करते हैं, महाप्रभु आंख बंद करके प्रताप रुद्र को उन्होंने आलिंगन किया, बास तुमने कथा नहीं कीर्तन नहीं, तुमने हमें प्रेम को हमें पिला रहे हो, हमें प्रेम तुम पिला रहे हो, जब आलिंगन किया, बोले क्यों, बोले साधारण कथा जो दान कर तो दानी है ही, लेकिन जिस समय हम विरह अवस्था में कृष्ण हम छोड़कर चले गए, ये विरह अवस्था में ये जो कृष्ण कथा को जो दान देते हैं, क्योंकि कृष्ण कृष्ण कथा में कोई फर्क है नहीं, कृष्ण कृष्ण कथा एक ही वस्तु है, विरह अवस्था में हमें तुमने जो इतने सुंदर कृष्ण कथा दान दिए, जगत में तुम सबसे बड़े दानी हो, सबसे बड़े दानी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु विरह को खंडन करके फिर कृष्ण कथा को दान करते हैं, इसलिए सबसे इसलिए उनको गुरु जी ने बोले बोले बेटा संस्कृत पढ़ाया करो, बड़े भाग्य से बच्चों को कोई ज्ञान देते। महाप्रभु आकर के ना
दूसरे दिन महाप्रभु आकर अभीष्ट हो गए। महाप्रभु चैलेंज देते हैं, क्या चैलेंज देते हैं, मैंने जो कल मैंने व्याख्या किया था इसका हिम्मत हो आकर के खंडन करे हैं। इसलिए मैंने जो व्याख्या की है यही शास्त्र की ही तात्पर्य है, इसको छोड़ करके कृष्ण भक्ति छोड़ करके जीवन में और कुछ है ही नहीं, है तो केवल कृष्ण की भक्ति। महाप्रभु चैलेंज देते, कोई हो तो इसको आकर खंडन करके दिखा दे हैं। अरे सूत्र वृत्ति टीका में सकली हरि नाम, महाप्रभु फिर उन्होंने स्थापन करते हैं सूत्र वृत्ति टीका सब के सब नारायणाद उद्भूत एवं वर्ण क्रम, सब के सब वर्ण और क्रम किससे प्रकट होता है, भगवान से ही प्रकट होते हैं। इसलिए सा विद्या दत्तम मतिर जाए, वही विद्या विद्या है जो विद्या भगवान के चरण में भक्ति देने वाली। इसलिए फिर महाप्रभु क्या कहते हैं, फिर महाप्रभु साधु संत की बड़ी महिमा बताते हैं। और महाप्रभु अभी अपना माँ को, जैसे श्री कपिल देव ने अपना माँ देवती को उन्होंने ज्ञान की बात सुनाए थे, फिर यहाँ पर उसी अभिष्ट में अभिष्ट होकर के अभी महाप्रभु अभी अपना मैया को वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्या ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर हम इस चीज को कल हम सुनेंगे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, सपार्षद गौर हरि की, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण महाराज आसन, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama.
Thank you.